हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मेरा मैक्सिकन पुटुनिया का प्लांट है, पिंक कलर का। आज मैं इसको कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं वो बताऊंगी। इसको कटिंग से भी उगाया जा सकता है और सीडलिंग के द्वारा भी उगाया जा सकता है। चलिए कटिंग निकाल लेते हैं इसमें से। ये देखिए, मैंने कटिंग ले लिया, इसको साइड में रख देते हैं। ये मैंने पहले से ही मिट्टी तैयार की हुई है। इसके लिए सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसमें गार्डन सॉइल, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके मैंने पहले से तैयार किया हुआ है इसे। ये देखिए, इस कटिंग को मैंने 45 डिग्री एंगल पे कट किया है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ छोटे छोटे डॉट्स हैं। यही रूट्स बनना इन्हीं से ही रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ दिनों में। अब मैं इस कटिंग पे रूटिंग हार्मोन लगा लूँगी। रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद एक होल बनाएंगे और इसमें 1 इंच के करीब इसे दबा देंगे। पानी डाल देते हैं। 15 से 20 दिन में इसमें न्यू रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो छोटी सी कटिंग है इसको मैंने कटिंग के द्वारा ही उगाया था। चलिए मैं इसे आपको निकाल के दिखा देती हूँ, इसमें रूट्स कैसे। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, इसे मैंने यहाँ से कट किया था और 1 महीने में कितनी बड़ी रूट्स बन गई हैं। और ये मैंने बिल्कुल छोटी सी कटिंग लगाई थी। इस प्लांट को कटिंग से उगाना ज़्यादा इजी है। चलिए इसे दोबारा यहीं लगा देते हैं। ये स्टेम्स के साइड में से खुद से भी न्यू रूट्स निकल जाती हैं, जैसे कि ये निकली हुई है। जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो आप इसे निकाल के अलग से दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, तो इससे भी एक नया प्लांट बन जाएगा। और ये देखिए कितनी छोटी सी है अभी ये, इसी में अभी से ही न्यू बर्ड्स आई हुई हैं। कुछ ही दिनों में यहाँ से भी फूल खिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मैक्सिकन पुटुनिया का ये देखिए जो फ्लावर है वो सुबह खिलता है और शाम तक गिर जाता है। ये बस एक ही दिन चलता है।